बजट हमारा बहुत लिमिटेड है, इतना लिमिटेड है कि हम लोग अभी क्लब के बाहर ही हैं। तो हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से एक वीडियो लेके आई हूँ आपके पास। आज मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ क्योंकि आज मैं घूमने जा रही हूँ। ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं क्योंकि ऑफिस से छुट्टी बहुत कम मिलती है। तो लेट्स सी कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं आज कहाँ कहाँ चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले तो शुरुआत ऑफिस से ही करते हैं क्योंकि हमारा ऑफिस इतना सुंदर है, तो हमने सोचा कि एक राउंड वहाँ का भी मार के आ जाते हैं। और फिर हमने देखा कि रात होने वाली है और क्लब का मज़ा रात में ही आता है गुड़गांव में। तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने सोचा कि पिज़्ज़ा वीज़ा खा लेंगे, तो हमने ऑर्डर लगा दिया था कि तब तक पिज़्ज़ा आएगा तब तक हम अपने दोस्तों के साथ घूम लेंगे। और ये हमारी कुछ दोस्त हैं और आपने इनको देखा ही होगा, एक है संचित, एक है अर्चित। अर्चित जी का बर्थडे है और उनकी पार्टी हम एडवांस में ले रहे हैं, तो इसलिए हम लोग घूमने जा रहे थे बेसिकली। और इतना मज़ा आने वाला है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और आप देख सकते हो पिज़्ज़ा भी आ गया और हमने पिज़्ज़ा मंगाया था, वो भी मेरी पसंद का आया था ऑब्वियसली, ग्रुप में अकेली लड़की का फ़ायदा तो होता ही है। और पिज़्ज़ा तो आया और भैया ने हमें गार्लिक ब्रेड, पिज़्ज़ा और सारी कोल्ड ड्रिंक सब दे दिया। अब ये दो पेमेंट कर रहे हैं, मेरे को मतलब नहीं, मैं अपनी ब्लॉगिंग में पहले से ही बिजी हूँ, मेरे को पेमेंट तो मतलब नहीं होता। और पेट पूजा करने के बाद अब हम लोगों ने सोचा चलो भाई ऑटो बुक कर लिया जाए और चलते हैं सेक्टर 29, वहाँ पे काफ़ी अच्छे क्लब्स हैं। तो हम आए तो थे बड़े अच्छे से कार में, पर जा रहे हैं ऑटो में, तो ये हम डाउन टू अर्थ का सिंबल शो करते हैं, हम कितने ज़्यादा डाउन टू अर्थ है। बेसिकली पैसे नहीं है यार, तो हम लोग बस जा रहे हैं घूमने। और आ चुके हैं हम सेक्टर 29 में, पता नहीं हम यहाँ करने के आए हैं, पैसे तक तो है नहीं पर आ गए बस क्योंकि पार्टी कोई और दे रहा है, खुद के पैसे लगा के तो कभी नहीं आते। तो आप घूम रहे हैं कि यहाँ पे हम पहले भी आ चुके हैं क्योंकि हम ऑफिस की तरफ से भी एक बार पार्टी में आए, तो जब भी हम यहाँ आते हैं तो हम सिर्फ फ्री में आते हैं, खुद के पैसों से तो कभी नहीं आएंगे क्योंकि भाई इतना महंगा बजट हम नहीं अफोर्ड कर सकते, हम बहुत गरीब हैं। तो अब हम ये दिखाते हैं, यहाँ पे हमने पार्टी की थी ऑफिस की और यहीं पे हमारी और संचित की दोस्ती हुई थी, बेसिकली हम लोग ऑफिस फ्रेंड्स हैं। और ये हमारे दोस्त हम तीली आए हैं पार्टी में क्योंकि बजट हमारा बहुत लिमिटेड है, इतना लिमिटेड है कि हम लोग अभी क्लब के बाहर ही हैं। जाके ठेले दिखाने की नौबत आ सकती है। हाँ, अभी नौबत ठेले वाली भी आ सकती है, बस आ गए हैं, फोटो वोटो अच्छी आ जाए ताकि आपको ये लगे कि हम बहुत अमीर हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। कैमरा पलटी और सामने दिखाइए वॉकिंग स्ट्रीट जहाँ पर मुफ्त की दारू मिली थी एक बार ऑफिस के। हाँ, हम लोग यही लग रहा है भाई ऊपर जाने का, ये वॉकिंग स्ट्रीट हम आ चुके हैं। हाँ, यही ऑफिस की साइड से आए थे। आप ही बताइए कौन से क्लब में हम लोग जाएं। यहाँ पे इतनी बार आए हैं देखो ओपन जो वो होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मेमोरीज हैं, कभी किसी दोस्त के साथ आते कभी किसी दोस्त के साथ, बट जब भी आते अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो अगर आप कभी यहाँ नहीं आए हैं तो आपको आना चाहिए, जो गुड़गांव में रहते हैं वो आ चुके होंगे। ये दो वेले हैं जिनको मैं ले आई हूँ, नहीं तो इनकी पूरी जिंदगी ऑफिस 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 में ही जाती है। ये इतने वर्कहोलिक है, इन्हें मतलब नहीं है, जिंदगी जीना नहीं आता है, इन्हें सिखा रहे हैं 1 रुपए वाली अप्रेजल के साथ। इनका अप्रेजल इतना अच्छा हुआ है कि ये पार्टी दे रहे हैं। यहाँ तो हुआ नहीं है तब पार्टी ली जा रही है, पता नहीं कितना अच्छा अप्रेजल हुआ, इतना ज्यादा ए वेंड वाले लोग हैं। एस प्लस। इसी अप्रेजल के साथ खुश होके या दुखी होके जो भी समझ लीजिए, हम लोग जा रहे हैं बस क्लब के अंदर। और हमने सोचा कि ये वाला क्लब ट्राई करते हैं, संचित जी तो ऐसे आगे जा रहे हैं जैसे हमें डायरेक्शन वही दे रहे हैं, तो हम लोग बस अंदर जा रहे थे। और ये हमारे साथ अर्चित जिनका ये बर्थडे आने वाला है, तो वो आपको पता चल ही जाएगा। और देखिए अंदर आ तो गए क्लब में, बस हम लोग यहाँ पे सबको टेस्ट करने आए हैं कौन सा क्लब अच्छा है कौन सा नहीं। तो यहाँ पर जहाँ संचित को फ्रेश बियर मिलेगी संचित वहीं रुकेगा, भले क्लब चाहे जितना ही सुंदर क्यों ना हो। तो हम लोग बस देख रहे थे और संचित जी ने सोचा कि यहाँ पे अगर फ्रेश बियर नहीं है तो श्रेया तिवारी आप यहाँ से उड़ जाएंगी क्योंकि मेरे को फ्रेश बियर पीनी है। मैंने कहा ठीक है भाई मंगवा लो, ट्राई कर लो, तुमको सही लगे तो ठीक है, नहीं तो फिर उठ के कहीं और चल देंगे, हमारा क्या, हम तो खाली बैठे हैं आज वीकेंड में। और ये आई इनकी फ्रेश बियर जो कि बिल्कुल ही फ्रेश नहीं थी। और संचित जी ने सोचा कि अब बस यहाँ से खिसक लेते हैं। और हम लोग फिर आ गए नए क्लब में जो कि इनका अड्डा है, और यहाँ पे संचित जी ने मंगाई दारू एकदम
एकदम सारी वाइन वाइन, मेरे को तो पता भी नहीं है इनके नाम, बस ये मंगाए जा रहे थे और ये पिए जा रहे थे। मैंने कहा कि मुझे नॉन अल्कोहलिक देना क्योंकि मैं तो नहीं पीती हूँ। तो इन लोगों ने मंगवाए इतने बड़े बड़े जगों टाइप के, पता नहीं क्या ही मंगवाया भाई। मैं तो देख रही थी वो बंदा अकेले पीने की हिम्मत रखता है, तो मैंने कहा मेरे से तो यही नहीं पिया जा रहा है क्योंकि ये इतना मीठा था। बहुत अच्छे से हम लोगों ने इंजॉय किया। देन उसके बाद हमने थोड़ी ड्रिंक्स व्रिंक्स ली जो कि नॉन अल्कोहलिक थी फॉर मी ओनली, बाकी सारे लोगों ने तो अल्कोहल पिया ही है। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे से फ़ोटोज़ क्लिक कराए, वीडियोस बनाए, लाइव भी आए हम। और उसके साथ हमने सोचा अब घर जाने का टाइम हो चुका है क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, और फिर हम लोग निकल लिए। उसके बाद हम लोगों ने बहुत चीज़ें सोची प्लान करने के लिए कि हम ये करेंगे, और फिर उसके बाद हमने सोचा कि ये वीडियो आपको भेजते हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। बाय बाय गाइस।